वाद विवाद होने का कारण यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम पेशेंट्स को ओवर प्रॉमिस करते हैं और जब हम अंडर परफॉर्म करते हैं तो विवाद विवाद बनता है। आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में हम हमेशा के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं, नया टॉपिक लेके आते हैं। आज ऐसा ही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में दिन ब दिन वाद बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, ट्रीटमेंट को लेकर हो रहे हैं या फीस को लेकर हो रहे हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर से, जो कि 10 साल से मैनेजमेंट में काफ़ी उन्हें अनुभव है, काफ़ी लोगों से साबिका पड़ा है, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को हैंडल किया है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उन्हीं से जानेंगे आज जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में दुराव बढ़ रहा है। चलिए डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर से। सर, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। सर, आरोग्य जागृति के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। बहुत समय अनुकूल विषय है कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स के मध्य वाद विवाद का क्या कारण रहता है और उसको किस तरह से हम सही तरह से संभाल सकते हैं। सभी प्रकार के रोगी सेठ नंदलाल दूत हॉस्पिटल में आते हैं और कहीं ना कहीं एक बार कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जो या तो रोगी के साथ में आए हुए उनके रिश्तेदारों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं या उनको ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सही तरह से नहीं मिले। और जब किसी भी प्रकार का गैप क्रिएट होता है जहां संवादहीनता का अनुभव होता है, वहां पर रोगियों में, उनके रिश्तेदारों में और डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए एक ट्रीटमेंट प्लान को लेकर, एक खर्चे के सवाल को लेकर कहीं ना कहीं वाद उत्पन्न होता है। हम यहाँ पर हर प्रकार से यही कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट प्लान हो या किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन मेकिंग हो, उसमें एक तो रोगी और उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवारजनों को हम शामिल करें जिससे वह डिसीजन एक संयुक्त डिसीजन, एक कलेक्टिव डिसीजन माना जाए। जब हम रोगी और उसके परिवार को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना लेते हैं तो एक पारदर्शिता बनती है और भरोसा बढ़ता है। यह एक पहला हमारा प्रयास रहता है कि हमने हर प्रकार से आते हुए सभी रोगियों को, यहाँ पर उपचार ले रहे सभी रोगियों को पारदर्शिता के साथ में सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। निश्चित ही आज जिस तरह से हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का समावेश होता जा रहा है तो खर्चा भी उसी प्रकार से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज ना चाहकर भी हमें हर प्रकार से अपने आप को सर्वोत्तम की तरफ रखना पड़ता है, क्योंकि उत्तम से सर्वोत्तम के लिए ही रोगी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कंपैरिजन करता है। और जब हम सर्वोत्तम को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है, नए नए मशीनों को अपनाना पड़ता है और नए नए प्रकार के जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है। इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट होती है और बदलने का जो खर्चा है वह भी बहुत बड़ा होता है। एक सादा सा उदाहरण अगर मैं दूं तो एक्सरे जो हम पहले करते थे वो कन्वेंशनल एक्सरे और आज के डिजिटल एक्सरे, इसके जो डिफ्रेंसिएशंस हैं बहुत बड़े हैं। आज हर डॉक्टर ये चाहता है कि जब तक बीमारी का सटीक पता ना चल जाए तब तक उपचार शुरू ना किया जाए। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का और एडवांस टेक्नोलॉजी का सहयोग है कि सही समय पर सही प्रकार से पूरी जानकारी लेते हुए डायग्नोसिस स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके लिए जो तकनीकी में परिवर्तन आया है, बस खर्चा वहीं छुपा हुआ है। यदि यह हमने समझ लिया कि मेरी जांच पड़ताल में, रोगी की जांच पड़ताल में जिस प्रकार का खर्चा हॉस्पिटल्स को आता है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए, बदलाव के लिए और नए उपकरणों को समावेश करने के लिए जो खर्चा आता है, उस खर्चे का कहीं ना कहीं कुछ अंश हर पेशेंट के ऊपर
आता ही है, और इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वह पेशेंट को मिलता है। उसके लिए दिए जा रहे ट्रीटमेंट में एक 100% प्रिसीजन और परफेक्शन लाने के लिए होता है, और निश्चित ही जब हम किसी भी प्रकार की बीमारी को सही समय पर पूरी तरह से समझ लेते हैं तो उसको उपचार देने के जो नए नए तरीके हैं उसके माध्यम से डॉक्टर हर तरह से पेशेंट को संतुष्ट रख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जो बड़े उपकरण हैं, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, सोनोग्राफी मशीन है, इसमें हर 2-3 साल में नए नए परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के परिवर्तन हो, चाहे उपकरण के परिवर्तन हो, चाहे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के परिवर्तन हो, और यह एक परिवर्तन का विषय है, साथ में इसके लीगल कॉम्प्लाइंस भी जुड़ा हुआ है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लाइंसेज हैं जो हर दृष्टिकोण से बदलते जा रहे हैं, और हर कॉम्प्लाइंस को मैनेज करने के लिए भी एक खर्चा हमारे ऊपर आता है। तो ये सब चीज़ें यदि हम संतुलित तरह से पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बताते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता का माहौल बनता है और पेशेंट के संयुक्त निर्णय लेने की क्षमता में एक बढ़ावा आता है। और निश्चित ही यदि हम ये सभी मिलकर प्रयास करें तो पेशेंट के मन में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहता है। मेरा कहना तो ये रहता है, यह एक स्वस्थ संवाद होता है जो स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। सर, सेठ नंदलाल धूत में काफ़ी गवर्नमेंट की योजनाएं, काफ़ी योजनाओं को रिलेट लेके चलती है, लेकिन काफ़ी लोगों में गैर समझ ये भी होता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे ज़्यादा खर्च आएगा, लोगों को योजना के बारे में पता नहीं। सर, ऐसे में लोग यहाँ तक नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें एडवांस ट्रीटमेंट तो चाहिए, गवर्नमेंट के माध्यम से मिल भी सकता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होने से ये कन्फ्यूजन है। इसके बारे में आप क्या बोले? जब से सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल औरंगाबाद में कार्यरत है तब से इस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़, धूत परिवार के सदस्य, हमारे चेयरमैन श्री राजकुमार जी धूत का बहुत स्पष्ट मत है कि आने वाले किसी भी रोगी का उपचार पैसे के अभाव में बंद नहीं होना चाहिए। योजना, सरकारी योजना, इंश्योरेंस आदि के माध्यम से भी यदि कहीं कोई अड़चन है तो भी प्राथमिकता रोगी के उपचार को ही देना है, यह एक हमारा संस्कार है। निश्चित ही आज महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग स्वास्थ्य योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, और उसके विषय पर समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जागरूकता अभियान चलाती रही है। अभी भी रेडियो, टीवी और सभी प्रसार माध्यमों से इसके प्रति जागरूकता बनी हुई है, लेकिन फिर भी समाज का बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम है कि वह कौन सी योजना के माध्यम से, कौन सी सरकारी योजना के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए लाभ ले सकता है। आज घर बैठे आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके माध्यम से आप घर बैठे प्राथमिक परामर्श कर सकते हैं। ये सुविधा संपूर्ण भारत में उपलब्ध है। ऐसे ही आज महीने भर पूर्व हेल्थ कार्ड का प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया, उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके आधार पर आपको समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी, आपकी खुद की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो है वो एक जगह पर एकत्रित हो सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल हो सकेगा। सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल में हम महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के माध्यम से, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य फंड के माध्यम से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वास्थ्य फंड के माध्यम से, अनेकों अनेक योजनाओं के माध्यम से हम यहाँ आने वाले सभी रोगियों को ससमय सुविधा प्रदान करते हैं, जागरूकता बनाते हैं और यह देखते हैं कि अधिक से अधिक किस प्रकार से हम रोगी को आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। और हमने देखा है कि 10 में से 4 से 5 रोगी आज इंश्योरेंस के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं।
तो उनके लिए भी एक जागरूकता हम समय समय पर देते रहते हैं कि उस इंश्योरेंस के माध्यम से क्या उनके अधिकार हैं। अधिक समय पे देखा गया है कि कैशलेस इंश्योरेंस को लेकर बड़ी गंभीरता रोगियों में रहती है। उनको ऐसा लगता है कि कैशलेस मतलब एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये एक गैर समझ है। यह इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से कभी भी रोगियों को नहीं बताया जाता है कि कैशलेस का वास्तविक अर्थ क्या है, और यदि इसके विषय में जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक है हॉस्पिटल के स्टाफ से, खासतौर से बिलिंग डेस्क पर, इस पर काफ़ी गहमागहमी होती है। तो हमें ये समय समझना चाहिए कि जब हम किसी इंश्योरेंस को कैशलेस बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी में प्रारूप रहते हैं जहां स्पष्टता ना होने की वजह से रोगियों को ये लगता है कि हॉस्पिटल शायद हमसे गलत प्रकार से पैसा वसूल रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। हर पॉलिसी में जो सुविधाएं एक रोगी को दी जानी चाहिए उसका उल्लेख किया जाता है, और यदि हम रोगियों को ये बताते हैं कि ये उल्लेख है और आपने देखा नहीं है, तो उनकी नाराज़गी ख़त्म होती है, क्योंकि उनको इस बात का आभास होता है कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने इन चीज़ों को नहीं ध्यान से देखा है। और यह भी एक विवाद को, एक वाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, और यह भी एक स्वस्थ संवाद है जहाँ पर हम रोगी की तरफ उसके राइट्स को, उसके अधिकारों को जागृत करने का काम करते हैं। योजनाओं में हर प्रकार की व्यवस्था है, चाहे प्राथमिक उपचार है, चाहे इमरजेंसी केयर है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। आज भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, कहीं ना कहीं यह समझना भी आवश्यक होगा कि इन योजनाओं में एक लिमिटेड अमाउंट ही सैंक्शन होकर आता है और हॉस्पिटल में उपचार दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने का की जो प्रक्रिया है, यह गवर्नमेंट की तरफ ही होती है। आरोग्य मित्र के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पंजीकरण करने के बाद में जब वे अप्रूवल देते हैं, उसके बाद ही हॉस्पिटल इस प्रकार का उपचार देने की अपनी सहायता कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन आएंगे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी लाभार्थी की घोषणा के आप उनका उपचार ले सकते हैं। ये गैर समझ है, इसको भी दूर करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही यदि हमने अपने आरक्षित शायिकाओं की क्षमता, रिजर्व्ड बेड की कैपेसिटी यदि डिक्लेयर की हुई है, तो हम उससे अधिक बेड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल का निर्णय रहता है। मिनिमम बेड्स हमें जो देना है उसके लिए हम उनसे बंधे हुए हैं, लेकिन 100% बेड्स हम योजना में दें ऐसा नहीं है। यह एक जॉइंट वेंचर कैपेसिटी में चलता हुआ एक उपक्रम है, जहां हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को, हर प्रकार से उस गरीब तबके को, उस बिलो पावर्टी लाइन के तबके को भी दिया जाता है, जिससे उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे उपचार के साधन उपलब्ध हो सकें और समय पर उनकी जीवन की रक्षा की जा सके। आखिरी सवाल ऐसा है, अभी जो पेशेंट और डॉक्टर में जो वाद विवाद बढ़ रहे हैं, इसको आपके अनुभव के हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो आपको अनुभव आया है? वाद विवाद होने का कारण यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम पेशेंट्स को ओवर प्रॉमिस करते हैं, और जब हम अंडर परफॉर्म करते हैं तो विवाद बनता है। यदि हम पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को अंडर प्रॉमिस करें या जस्ट प्रॉमिस करें और ओवर परफॉर्म करें, तो निश्चित ही वहाँ पर इस प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न होने के जो कारण हैं वो कम होते चले जाते हैं। जैसा मैंने कहा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत आवश्यक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना बहुत आवश्यक है। और जब पेशेंट हमारे पास एडमिट रहता है, तो हर दिन हमने पेशेंट के नज़दीकी रिश्तेदार को उसके रोग के बारे में और उसमें उसके रोग के उपचार से हुए फ़ायदे के बारे में बताते रहना चाहिए, जिससे उनका विश्वास बना रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए
सही समय पर डॉक्टर या डॉक्टर के साथ कार्य करने वाली टीम मौजूद है, इससे भी एक मनोबल बढ़ता है और जो एक डाउट आने वाला जो काम रहता है वो कम होता चला जाता है। इसके साथ ही हम जो भी कार्रवाई करें, हम जो भी व्यवहार रखें, आगे यदि हम लिखित में रखते हैं तो उससे रोगी और रोगी के रिश्तेदारों व डॉक्टर की टीम के बीच में एक क्लैरिटी इस्टेब्लिश रहती है और उसका भी मेन पर्पज़ यही है कि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई गलतफहमी डेवलप ना हो। यह रोगी का अधिकार है कि वह अपने डॉक्टर से किस प्रकार से उपचार होने वाला है, कितने दिन में उपचार पूरा होने जा रहा है, कितना खर्चा आने वाला है, उसके लिए उनको क्या क्या सावधानियां लेनी पड़ेंगी, ये सभी रोगी के अधिकार हैं जिस पर रोगी और रोगी के परिजन डॉक्टर से हर समय संपर्क में रहते हुए इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। डॉक्टर के भी अधिकार हैं जिनके बारे में रोगियों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी नहीं है तो उस पर वाद विवाद हो। डॉक्टर के परामर्श को मानना चाहिए। डॉक्टर कोई भी जो आपको एज ए पेशेंट एक्सेप्ट करता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उपचार देता है, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपका केयर प्लान डिसाइड करता है और हर डॉक्टर की यही कोशिश रहती है कि उसके पास आने वाले उस रोगी को हर प्रकार से अच्छा उपचार कम से कम समय में और माफक दर में मिलना चाहिए। जब रोगी और रोगी के रिश्तेदार किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वह स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको पूरी जानकारी मिलती है। यदि उनके मन में कोई प्रश्न है तो उनको पूछने का अधिकार है और हर प्रश्न को जितना सही समय पर हम समझ लेंगे और उसका उत्तर जान लेंगे उतना ही हमारा उस हॉस्पिटल के ऊपर, उस अस्पताल के ऊपर विश्वास बढ़ता है। और डॉक्टर्स भी क्लैरिटी के साथ में ट्रीटमेंट प्लान देते हैं और 99.9% आपको रिटन फॉर्मेट में देते हैं। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है, यदि आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आपको उसका समय मिलता है। उस समय के अनुकूल आप यदि निर्णय लेते हैं तो जो फेथ है वह बढ़ता है, डाउट नलीफाई होता है। एक मेजर कनेक्ट यदि पेशेंट और डॉक्टर में डेवलप है तो वह सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के बीच के डायलॉग की वजह से रहता है, उसके द्वारा दिए गए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान की वजह से रहता है, एक कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की वजह से रहता है। और यही यदि समय पर बनता गया और बना रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स में होने वाले ये छोटे छोटे घटनाक्रम न केवल समाप्त हो जाएंगे बल्कि एक नए तौर तरीके से डॉक्टर को समझने की पहल समाज के अंदर डेवलप होने लगेगी। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा आपने मार्गदर्शन किया है, हमारे दर्शकों को भी बताया और पेशेंट में जो वाद विवाद बढ़ रहे हैं ये ना हो इसीलिए भी काफ़ी आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम जनता से या रोगी से भी, रोगी के रिश्तेदारों से भी यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर का भी आदर करिए, इसकी वजह से हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह ले सकते हैं या डॉक्टर भी अच्छी तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।